सोलह नीचे के मोबाइल में सर कैसे हो आप लोग, पहले कैसे हो? अरे एक मिनट, पहले तो चिल्लाना मत बंद करो और थोड़ा हंसमुख चेहरा बनाओ, अपने आप में इतना लड़ रहे हो। चलो सर, आज बहुत खुशी हुई मुझे बागडोगरा आते हुए। जिस एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की हमने कोशिश की थी मेरे पूर्व जिम्मेदारी के समय में, जब नागर विमानन मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने दी थी, आज उसी बागडोगरा में आकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। आज मेरा प्रवास सिक्किम का है, यहाँ से मैं गैंगटॉक जा रहा हूँ। उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवास का एक भाग है और बागडोगरा से निकलते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे देश में मातृशक्ति का मान सम्मान और रक्षा करना हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी होती है। हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है कि यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। और आज बड़ी दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल में जो आतंक का माहौल और जो एक डर और हिंसा का माहौल का तैनात किया गया है पिछले कई वर्षों में, टीएमसी के राज में, मुख्यमंत्री के राज में, जहां मासूम महिलाओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं लेकिन उनका खून किया जाता है और कोई एक्शन नहीं, पूरी तरह से फरेब करके लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है। आज पश्चिम बंगाल में ना महिला सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना आम इंसान सुरक्षित है। और मेरी यही आशा और अभिलाषा है कि जो सर्वोत्तम न्यायालय ने कदम उठाया है उनके परिजनों को न्याय मिल पाए। जो ढोंग रचा जा रहा है विधानसभा में अपरिजिता विधेयक पारित करके नियम और कानून दिखाते हुए, जब स्वयं पश्चिम बंगाल में मेरी मातृशक्ति की रक्षा एक महिला मुख्यमंत्री नहीं कर सकती, तो फिर ऐसे सरकार का औचित्य क्या है? ये प्रश्न एक एक व्यक्ति के मन में और मस्तिष्क में है। बहुत बहुत धन्यवाद।